वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 मई 2020। आज हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दीज करंट अफेयर्स आर क्रूशियल फॉर एट अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हर क्वेश्चन में सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस हैज़ इंडिया सिक्योर इन साइंटिफिक पब्लिकेशन? साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंडिया ने कौन सा स्थान सिक्योर किया है, आपके ऑप्शन से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ सेकेंड। इंडिया का सेकेंड पोजीशन आई है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर ट्रैप्ड सिटीजन? किस राज्य सरकार ने फंसे हुए नागरिक के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो कौन सी राज्य, ये एग्जिट ऐप है क्या पहले ये जान लीजिए। देखिए, COVID-19 के चलते कुछ लोग अपने स्टेट, जो अपने पर्टिकुलर स्टेट के हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में स्टक हो गए हैं, मतलब वहाँ पर फंस चुके हैं, तो उनको वापस लाने के लिए है ये। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल ने किया है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, और इसकी जो CM है वो कौन है? वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इसकी CM है। और इसके गवर्नर कौन है? वो है जगदीप धनकर। ठीक है, जगदीप धनकर इसके गवर्नर हैं कोलकाता के। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट मेक आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी? कौन सी राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य बताती है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये बोला है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, ये बताती है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप है क्या? ये है आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, यानी कि जो COVID-19 के चलते जो भी आपको ये बताएगी कि आपके अराउंड कोई COVID-19 का पेशेंट तो नहीं है, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, तो इसको आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप गो थ्रू जाना है इस ऐप के आपको, और इसमें जो भी प्रोसीजर होगा आप उसे फॉलो करो। उसके बाद ये ब्लूटूथ से चलती है, जो कि ब्लूटूथ की रेंज है हमारी 10 मीटर की, तो ये उसी रेंज में आपको बताएगा कि आपके आसपास कोई COVID-19 पेशेंट तो नहीं है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ये आपको अलर्ट करने के लिए है। ठीक है, ये है, तो ये मैंडेटरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बताई है। यूपी की कैपिटल होती है लखनऊ, यूपी के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है यूपी की आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है? ऑप्शंस भी देख लीजिए। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आपने राजस्थान के CM और गवर्नर, गुजरात के CM गवर्नर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, कौन है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली पास्ड अवे दलित इज़हिल मलाई वॉज अ फेमस, हाल ही में दलित इज़हिल मलाई का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध थे, वो क्या थे, वो एक फेमस थे। देखिए, वो एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है, वो एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, पॉलिटिशियन थे, और वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री थी उनके पास? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इंडिपेंडेंट चार्ज उसकी मिनिस्ट्री के थे, ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान। ठीक है, और ये पटाली मक्कल कच्ची पार्टी के लीडर भी थे, और ये आपके आर्मी ऑफिसर थे 1971 के जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें, और इनको सैनिक सेवा मेडल भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री लीडर किंग जोंग इन ऑनर्स विद वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल बाय रशियन प्रेसिडेंट? किस देश के नेता किंग जोंग इन रूसी राष्ट्रपति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित करते हैं? तो वो कहाँ के हैं लीडर, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये है नॉर्थ कोरिया के लीडर, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? वो है प्योंगयांग। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है आपका, और यहाँ करेंसी क्या चलती है? वो चलती है नॉर्थ कोरियन वॉन, चलती है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, और आपकी जो रशिया है इसकी कैपिटल क्या है? वो है मॉस्को, और यहाँ पे करेंसी क्या है? वो है रशियन रूबल। और ये मेडल क्यों मिला था? ये 75th एनिवर्सरी में मिला था, जो विक्ट्री है ओवर नाजी जर्मनी उसके चलते। ठीक है,
तो इसमें रोल क्या था नॉर्थ कोरिया के लीडर का? इनका रोल था, इन्होंने प्रिजर्व करके रखी थी मेमोरी, वो जो भी सोल्जर, सोवियत सोल्जर जिनकी डेथ हो गई थी नॉर्थ कोरियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है, उस दौरान, तो उनकी मेमोरी को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा था, इसलिए इन्हें अवार्ड मिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग हु विंस मार्कस वेलेनबर्ग प्राइज 2020? निम्नलिखित में से जो मार्कस वेलेनबर्ग पुरस्कार 2020 जीतते हैं वो कौन है? आपके ऑप्शन चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ने जीता है। किसने? जोसेफ एल लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एल वेरिंग, निकोलस सी कूप, इन सब ने जीता है, ठीक है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड पोस्टपोन्स ऑफ 2020 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? किस देश ने 2020 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पोस्टपोन की घोषणा की है? तो कौन सी कंट्री ने बोला है कि इसे पोस्टपोन कर देंगे? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ स्पेन, ये बोला है स्पेन ने, ठीक है। और आपका स्पेन की कैपिटल क्या होती है? वो होती है मैड्रिड। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? यहाँ पर यूरो चलती है करेंसी, ठीक है। कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। और जो ये कहाँ पर होना था? ये होना था कैरोलिना मेरिन स्टेडियम, जो कि स्पेन में है, वहाँ पर होना था बैडमिंटन चैंपियनशिप। और जो हमारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कुआला लंपुर मलेशिया में, ठीक है। कुआला लंपुर ये जो है मलेशिया की कैपिटल है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है? ये फॉर्म हुई थी 5 जुलाई 1934 के दिन, ठीक है, 1934 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सन, ठीक है, पॉल एरिक होयर लार्सन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। सीरिया, सीरिया की कैपिटल क्या होती है? सीरिया की कैपिटल होती है आपका डेमस्कस, ठीक है। क्या होती है सीरिया की कैपिटल? सीरिया की कैपिटल है आपका डेमस्कस। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? यहाँ पे सीरियन पाउंड चलता है, ठीक है। रशिया की कैपिटल और करेंसी और इसके प्रेसिडेंट आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हु हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु? से कंप्लीट कर लीजिए। समुद्र सेतु ये किसने लॉन्च किया है ऑपरेशन? देखिए ये लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने, ठीक है। ये किया है आपका इंडियन नेवी ने। ये सी ब्रिज है, ये क्यों किया है? ये उन इंडियन सिटीजन्स को बैक इंडिया में वापस लाने के लिए जो विदेशों में फंस चुके हैं कोविड-19 के चलते, ठीक है। और जो हमारे चीफ है नेवल स्टाफ के, वो कौन है? वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड कृष्णा रामाचंद्रन एज एमडी एंड सीईओ? किस संगठन ने कृष्णा रामाचंद्रन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ मैक्स बूपा, वो है मैक्स बूपा, ठीक है। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये जो कृष्णा रामाचंद्रन है, किसे रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे आशीष मल्होत्रा को रिप्लेस। और जो ये मैक्स बूपा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? हुआ था आपका 2008 में, ठीक है, 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड बैम्बू कॉन्क्लेव वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, वो कौन है जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ जितेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने किया है। और ये कौन है? ये हैं आपके मिनिस्टर हैं, किसके? डेवलपमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ अशोक माइकल पिंटो नॉमिनेटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? अशोक माइकल पिंटो ने किस संगठन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामांकन किया है, ठीक है। तो किसके रूप में किया है आपको बताना है, आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ IBRD, विच इज़ IBRD। IBRD क्या है? ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑल राइट। और ये 2 साल के लिए ये क्या हुए हैं आपका, ये 2 साल के लिए इनका नामांकन हुआ, यानी 2 साल के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? WHO। WHO क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 के दिन,
1948 में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है टेड्रोस अधानोम इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये आईएलओ, आईएलओ है क्या, आईएलओ है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका 1919 में हुआ था, इसके हेड कौन है, इसके हेड हैं गाई राइडर, इसके हेड हैं आपका गाई राइडर इसके हेड हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो है 12th क्वेश्चन, विच इज़ हु हैज़ ऑनर्ड विद यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्हें नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कौन है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका सौरभ लोधा। ठीक है, इनको किया गया, ये कौन है, ये आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं, इनको किया गया है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ गेट चार्ज ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड, हाल ही में जिन्हें सेना प्रशिक्षण कमान का प्रभार मिला है, किसको, किनको मिला है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का चार्ज, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्शन टावर, कौन सी ऑर्गेनाइज, किस संगठन ने अल्ट्रा वॉयलेट डिसइंफेक्टेंट टावर विकसित किया है, आपको बताना है। ये क्यों डेवलप किया है, पहले तो ये जान लीजिए है क्या, ये किया है आपका जो भी है आपका कोविड-19 के चलते, ये एक यूवी बेस्ड सैनिटाइजर है। ठीक है, अल्ट्रा वॉयलेट बेस्ड रेज होती हैं ये, इनका बेस है, इसके ऊपर इन्होंने मतलब इसी को लेकर के एक सैनिटाइजर बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ी से चलता हुआ रैपिड और केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज, जहाँ पे इन्फेक्शन के बहुत चांसेस हैं, उन एरियाज के लिए है। ठीक है, ये डेवलप किया गया है, इससे किसने किया है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ, ये किया है डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ है क्या, देखिए डीआरडीओ है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1958 में, इसके चेयरमैन कौन है, वो है जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन क्या है, इसरो, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये हुआ था 15th ऑफ अगस्त 1969 में, और इसके डायरेक्टर कौन है, वो है के सिवान। ठीक है, के सिवान इसके डायरेक्टर हैं, और इसके फाउंडर कौन थे इसरो के, वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई, और ये जो आपका आईसीएमआर है, ये क्या है, आईसीएमआर है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये जो इसका फॉर्मेशन ईयर है, ये 1911 को बना था। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है, वो है डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, बलराम भार्गव, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। देखिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है, हमें लगता है कि हमें और वीडियोज़ बनानी चाहिए, जितना आप वीडियोज़ को देखते हैं। और अगर आपको अच्छी लगती है, नीचे कमेंट किया कीजिए, आपके कमेंट्स नहीं आते, आप बताया कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, प्लीज़ उनके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपको भी तो थोड़ा बहुत करना चाहिए ना, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम इतनी वीडियोस बना रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर फ़ायदा नहीं लगता, इसीलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, और नीचे हमें कॉमेंट्स भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए, और कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हेन इज़ वर्ल्ड लेबर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, कब मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर था 1 मई, वो मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, और अभी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो आपने नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है विच कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस
इज कैंसल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है आपने नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।